अपने रिलेशन के बेस पे बिना रिजल्ट वाले प्रोडक्ट को जाके दे के तो आ सकता है एक बार, पर अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम नहीं हुआ तो यही 50 लोग इसके रिश्तेदार भी होने दो, दोबारा से वो प्रोडक्ट लेंगे क्या? नो लेंगे? नो नहीं। जब रिश्तेदार नहीं लेंगे, जान पहचान के नहीं लेंगे, तो यही रिश्तेदार यही जान पहचान वाले आगे किसी अपने सर्कल में रिकमेंड भी नहीं करेंगे कि ये प्रोडक्ट ले लो। वो भी बात सही है कि नहीं है? yes. तो आज देखिए कि आदमी गया है कि मेरे को पता है कि मेरे को यहीं टिकना है, तब मेरा कैरियर बनेगा, तब मैं करोड़पति बनूंगा, पर इसको प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसी के रिश्तेदार इसी के जान पहचान के लोग दोबारा से प्रोडक्ट ले नहीं रहे। अब जब प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो ये बिजनेस में टिकेगा क्या? No. नहीं टिकेगा। ये टिकने के लिए आया है, ये इधर रुकने के लिए आया है, पर इसको जब बिजनेस नहीं होगा रुक के करेगा क्या? इसको छोड़ना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे मेरे कैरियर में देखे हैं, लोग आए सर सामने वाली कंपनी में 350, मैं उनको यही समझाता था 350 प्रोडक्ट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट की क्वालिटी जाके पहले चेक कर ले, अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं हुई 350 वाले प्रोडक्ट की कंपनी में तेरे को 2 महीना 3 महीना 6 महीना एक दिन ऐसा आएगा तू छोड़ के वो कंपनी को जाना ही पड़ेगा। तू जाना नहीं चाहता है पर छोड़ के जाना पड़ेगा तेरे को। तो इसके लिए क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आया समझ में? यस। हाँ, अब हम दूसरे केस को समझते हैं जहां पे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसी कंपनी में काम करता है जो एक फैक्ट्री से प्रोडक्ट बना के लेके अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देती है। जो 98% कंपनियां इसी तरह से प्रोडक्ट लेती हैं, जहां पे एक फैक्ट्री से होता है वहीं से 25 कंपनियां और ले लेके जा रही हैं, चीज वही है, नाम चेंज है, ऐसी कंपनी का एक डिस्ट्रीब्यूटर। तो सबसे पहले इस बिजनेस के अंदर जो भी आता है जबरदस्ती आता है, ये बात तो तय है। yes. जबरदस्ती आए हुए आदमी को प्रोडक्ट बेचना अच्छा नहीं लगता। आप उसको बोलते हो जाके प्रोडक्ट बेच के आओगे तो ही पैसा मिलेगा। अब ये जबरदस्ती आया, जबरदस्ती प्रोडक्ट बेचने के लिए गया। अब ये गया अपने दोस्त के पास, पर ये कौन सी कंपनी में काम करता है जहां पे प्रोडक्ट की क्वालिटी में रिजल्ट तो है पर आया फैक्ट्री से, वही प्रोडक्ट अलग नाम से अलग अलग नाम से कहीं ना कहीं हर एक कंपनी में मिल रहा है। अब ऐसी कंपनी का ये डिस्ट्रीब्यूटर जहां पर रिजल्ट तो है पर फैक्ट्री का प्रोडक्ट है, ये अपने दोस्त के पास जाता है, जाके बोलता है देख ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, मैंने कंपनी ज्वाइन करी है, तेरे को जो बीमारी है उस बीमारी के ऊपर ये प्रोडक्ट 100% काम करेगा, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास वीडियो है, मेरे पास लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर है, तेरे जैसी बीमारी उन्होंने यही प्रोडक्ट लिया, इनसे बात कर ले, इनका ठीक हो गया, तेरा भी ठीक होगा, ये प्रोडक्ट तो मेरे से ले और अपनी बीमारी को भगा। तो ये बोलता है कि चल तेरा प्रोडक्ट दिखा, तो ये प्रोडक्ट को देखता है, उसमें पढ़ता है क्या क्या डला हुआ है। तो जब वो पढ़ता है तो उसको ये पता चलता है कि इसमें जो जो डला हुआ है यही डली हुई चीज एक साल से किसी दूसरी कंपनी के किसी और दोस्त से वो खरीदता हुआ और खाता हुआ एक साल से चला आ रहा है और उसको उस प्रोडक्ट का अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। तो ये अपने नए वाले दोस्त को बोलता है देख तू ये प्रोडक्ट तो लेके आया है पर ऐसे ही मिलता जुलता प्रोडक्ट मेरे पास पड़ा हुआ जो मैं एक साल से खा रहा हूं, तेरे को चाहिए तो दोनों को कंपेयर करके देख ले, तेरे को पता चलेगा दोनों एक ही चीज है, और मेरे को जब इससे रिजल्ट आ रहा है तो तेरे से क्यों लूं, तेरा वाला तो और भी महंगा है, ये तो इससे भी सस्ता दे रहा और एक साल से इससे ले रहा हूं, तेरे से क्यों लूं। तो ये जो नया आदमी जो जबरदस्ती आया था जबरदस्ती बेचने गया, जब अपने ही दोस्त ज्यादा हल्का सस्ता महंगा ये सब चलता है तो वो एक डिसीजन लेता है कि प्रोडक्ट को भी उठाओ बिजनेस को भी उठाओ दोनों को उठा के कचरे के डब्बे में डालो, मेरे को तो बिजनेस ही नहीं करने का क्योंकि वो करना ही नहीं चाहता था। बात सही है कि नहीं है? अब देखिए हर एक आदमी के साथ ये प्रॉब्लम आती है, हर एक आदमी जबरदस्ती आया, अब जो हर एक आदमी जबरदस्ती आया इसको प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा पर बेचने में मजा आएगा तभी तो ये टिकेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes. तो ये बेचने का मजा कैसे आए उसके ऊपर चलते हैं। पर उसके चलने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप लोगों के साथ में कभी भी ऐसा हुआ है क्या कि आपने माइलस्टाइल का एक प्रोडक्ट अपने जान पहचान में किसी को दिया और देने के बाद आप भूल गए पर सामने वाले को रिजल्ट आया और उसने आपको कॉल किया और आपको बोला तेरे प्रोडक्ट में दम है वापस दोबारा दे के जा, ऐसा अगर यहां पे किसी के साथ हुआ है तो हाथ खड़ा करो। बहुत बार हुआ। तो ये जो हाथ उठे ये इनको ढूंढा गया, बात सही है कि नहीं है? यस। ढूंढा गया। तो ये जो ढूंढने का काम होता है ना प्रोडक्ट के मामले में, ढूंढने का काम आपको सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्री में माइलस्टाइल में मिलेगा, ढूंढने का काम। ताली बजानी है तो ढंग से बजा लो तुम लोग। तो ढूंढने का जो काम होता है वो सिर्फ माइलस्टाइल में क्यों होता है उसके ऊपर चलते हैं। आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा ना, कुछ लोग बड़बड़ बड़बड़ लगे हुए हैं, जिनको बातें करनी हो बाहर जाके कर सकते हैं, बाकी लोग जो सुनना चाहते हैं उनको सुनने दिया जाए। आप लोग सुनना चाहते हैं? यस। देखिए बेचने का मजा कैसे आएगा वो इसके लिए आता है और हमको क्यों ढूंढा जाता है और हमारे लोगों को क्यों सामने से कॉल आता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारे हेल्थ के जितने भी प्रोडक्ट है
वो कंपटीशन फ्री प्रोडक्ट है। समझ में आया आपको? आज कंपटीशन फ्री प्रोडक्ट मतलब उसको हमारे जैसा मिलता जुलता प्रोडक्ट दूसरी कंपनी में किसी कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इसी के लिए वो आपको और हमको ढूंढता हुआ आता है। हमारा प्रोडक्ट कंपटीशन फ्री है इसके लिए हमको ढूंढा जाता है। तो अब आप मेरे को बताइए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कंपटीशन फ्री प्रोडक्ट का ही। 95 जैसा मिलता जुलता प्रोडक्ट आपको कहीं मिला क्या किसी कंपनी में? आपको मैं लाइन लगा के प्रोडक्ट बताता हूं, आप सिर्फ मेरे को इतना बताना कि इसके मिलते जुलते प्रोडक्ट आपको किसी दूसरी तीसरी कंपनी में दिखाई भी दिए क्या? वुमेन कंपेनियन जैसा प्रोडक्ट आपको कहीं मिला? साइक्लोमा जैसा कोई प्रोडक्ट मिला? आपको आयुष्वास जैसा कोई प्रोडक्ट मिला? आपको फीलिंग जैसा कोई प्रोडक्ट मिला? थाई हेल्थ जैसा? यूरीफ्लज जैसा? रोल ऑन जो अभी नया आया उसके जैसा? आप फाइट स्ट्रेस की बात कर लो, वुंडीलिंग क्रीम की बात कर लो, नोवेदना जेल की बात कर लो, इस टाइप के प्रोडक्ट आपको दूसरी तीसरी कंपनी में नहीं मिलेंगे। बात सही है कि नहीं है? और जब हमारे रिजल्ट में रिजल्ट आता है और जब कहीं आसपास वो प्रोडक्ट मिलते जुलते भी नहीं मिलते, तब ये ढूंढा जाता है आपको। और ये ढूंढने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, मैंने आपको बताया है, इस ढूंढने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि हमारा प्रोडक्ट यूनिक है, कॉम्पिटिशन फ्री है। यहां तक आप लोग मेरे साथ में है? तो देखिए, आपको बेस्ट क्वालिटी रिजल्ट ओरिएंटेड दूसरी कंपनी में प्रोडक्ट मिलेंगे, पर वो फैक्ट्री वाले प्रोडक्ट है। उसके जैसे प्रोडक्ट आपको दो तीन कंपनियों में और मिल जाएंगे, 5-7 में और मिल जाएंगे, गौर करके देख लेना। तो आपका बेस्ट क्वालिटी रिजल्ट ओरिएंटेड आपको बहुत जगह में मिल जाएंगे, पर बेस्ट क्वालिटी रिजल्ट ओरिएंटेड और यूनिक, यूनिक मतलब बिना कंपटीशन वाले प्रोडक्ट, तीनों चीजों एक ही प्रोडक्ट में अगर कहीं मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ माई लाइफस्टाइल में मिलेगा। माई लाइफस्टाइल में आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी भी मिलेगी, आपको रिजल्ट भी मिलेगा और कॉम्पिटिशन फ्री प्रोडक्ट भी मिलेगा। आया समझ में? तो ताली बजाने के लिए लोग बॉम्बे से लेके आओ। मैं ये नहीं बोलता कि ये प्रोडक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, पर यूनिक होना और इतनी बड़ी रेंज में यूनिक होना ये आपको कहीं नहीं मिलेगा।